तो अभी सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज में एक नया मेंबर ऐड होने जा रहा है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। जी हाँ, ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इसके अंदर जितने भी स्पेक्स हैं ये ऑफिशियली लीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से आपको सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज में देखने को मिला था। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये फर्स्ट लुक है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE का, और ये हमें मिला है जिमी इस प्रोमो की तरफ से। तो यहां पर जो डिजाइन या फिर जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि शायद यहां पर आपको पीछे प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में जो Samsung Galaxy Note 20 देखने को मिला था उसके अंदर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद इस फोन में भी आपको कॉस्ट कटिंग के लिए प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल सकता है। और इसके कुछ टेक्निकल स्पेक्स के बारे में बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं पीछे आपको यहां ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिलेगा, सेकंड में आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और ये सभी लेंस आपको एक स्क्वायरी कटआउट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा, और वो भी पंच होल के साथ जो आपको मिडिल में देखने को मिलेगा। और इस बार इस फोन का जो डिस्प्ले होगा ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार आपको यहां पर 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड तो मिलेगा ही, साथ में यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जी हां, Samsung Galaxy S20 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार Samsung Galaxy S20 FE के अंदर आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस बार इस फोन में आपको IP68 का रेटिंग मिलेगा। जी हां, तो ये बहुत ही ज्यादा खास बना देता है एक फोन को। और शायद आपको पता होगा कि एक स्मार्टफोन में जो सबसे मेन चीज होता है वो है इसका प्रोसेसर, तो इस बार Samsung Galaxy S20 FE के अंदर आपको Snapdragon 865 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो इनबिल्ड 5G को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कि इंडिया में क्या आपको इसी प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा या फिर कोई और प्रोसेसर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी Samsung कोई भी फोन को लॉन्च करता है इंडिया के अंदर तो आपको दूसरा प्रोसेसर देखने को मिलता है जो Exynos की तरफ से आपको मिलेगा, जो Exynos 980 या फिर 990 हो सकता है। और इस फोन के अंदर आपको 8GB रैम 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और साथ में इस फोन में आपको 4500 mAh का बिग बैटरी मिलेगा, और इस बार इस फोन में आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और शायद इन द बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर आपको 15 वाट का चार्जर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और ऊपर से इस फोन में आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी कि पावर पैक स्मार्टफोन होगा Samsung Galaxy S20 सीरीज के अंदर। तो अभी बहुत सारे ऐसे लीक्स आ चुके हैं कि इसका प्राइस कितना हो सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर जब ये फोन लॉन्च होगा मुझे लगता है कि इसका प्राइस आपको 60,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस फोन को किस प्राइस रेंज में लॉन्च करना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।